हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं चौबे स्टडी जोन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो बिहार में एटीएम बीटीएम की वैकेंसी चल रही थी, उसके लिए ड्राफ्ट लिस्ट कैसे चेक करें और आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल में ही चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत लोग कमेंट करते हैं इस पर एक वीडियो बनाए, तो चलिए हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले ड्राफ्ट लिस्ट के लिए आपको सबसे पहले क्रोमोजोम खोलना है या गूगल खोलना है। जैसे मैं अपना क्रोमोजोम गूगल खोल लिए, अब इस पर हम टाइप करेंगे www.bameti, इसको लिखेंगे bameti.org। देखिए ये आ गया साइट www.bameti.org.in, ठीक है, ओ आर जी तक ही बस रहेगा दोस्तों। और ये अपने साइट अभी बहुत स्लो चल रही है, तो देखते हैं कब तक खुलती है। अब दोस्तों अपना देखिए ड्राफ्ट लिस्ट के लिए आ गया है, ये अपना साइट खुल गया बामेटी का। अब इस पर हम बहुत ही आसान तरीक़ों से देखिए, ऊपर सर्च में भी है और नीचे भी आपको अभी दिखेगा कि ये देखिए ये आ गया है। अब यहाँ पे हम नोटिस पे ओके करेंगे दोस्तों। इसको बैक में जाकर के ये जो ड्राफ्ट लिस्ट यहाँ चल रही है आपकी, ये जो लाइनिंग चल रही है ड्राफ्ट लिस्ट की, तो उस पर हम इसको देखेंगे दोस्तों। ये जो है इस पर हम लोग चेक करेंगे, तो इस पे हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए हम ओके करते हैं, ऊपर ओके कर दिए। अब आगे आपका ऐसा इंटरफेस आएगा। अब ऐसा इंटरफेस में थोड़ा सा जूम कर लेना है, और जूम करने के बाद आपको सबसे पहले आपने जो ज़िला से जिस डिस्ट्रिक्ट से भरे हैं, तो उसमें पहले आपको डिस्ट्रिक्ट नाम भरना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पोस्ट के नेम भरनी है, पोस्ट नेम, और पोस्ट नेम में बता दें क्या पोस्ट नेम। देखिए सभी प्रकार के इसमें पोस्ट नेम है, जैसे मैं आप इधर देखिए स्टेनोग्राफर का भी है, बीटीएम का भी, एटीएम का भी, अकाउंटेंट का, तो इसमें चारों पोस्ट में जिसको जो पोस्ट से भरा है तो उसमें भर सकता है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट चूज, जैसे इसमें डिस्ट्रिक्ट दो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है ना, तो इसमें फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट और सेकेंड डिस्ट्रिक्ट जो आप लोग चूज किए हैं तो उसको इसमें अप्लाई करना है कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में कौन से डाले हैं। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिएगा, और जब डिस्ट्रिक्ट का चूज कर दिया, यहाँ पे व्यू पे ओके कर देना, ठीक है। अब इसको हम व्यू पे ओके कर देंगे, ओके कर देंगे तो लिस्ट पूरी निकल जाए। जैसे मैं देखिए मैं अभी अब निकाल रहा हूँ, जैसे कि अपना एग्जांपल में देखिए कि कहाँ का, सिवान का निकालना है, जैसे सिवान पर ओके कर दिए, डिस्ट्रिक्ट नाम डाल दिए, और एटीएम के लिए यहाँ पर एटीएम पर ओके कर देंगे, ओटीएम पर ओके कर दिए। अब देखिए यहाँ फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस, मैंने जो फर्स्ट जिला डाले या सेकंड जिला नंबर, तो वो पकड़ करके कर दिए हैं। अब इसको हम व्यूज पर ओके कर देंगे, व्यूज पर ओके करेंगे। अब देखिए ये अपना इंटरफेस ऐसा खोल कर आ जाएगा। अब इसमें अपने जो भी पॉइंट बन रहे, पॉइंट से भी चेक कर सकते हैं या अपने नाम से भी चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको इस जूम कर दिए, और अपना यहाँ पे जो भी पॉइंट बन रही है जिसका, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा हुआ, सीरियल नंबर है, अप्लीकेशन आईडी नंबर है, अप्लीकेशन डेट है, इधर अप्लीकेंट का जो नाम है, जो भी कैंडिडेट का नाम है, उधर इसका फादर का नाम रहेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा। मोबाइल नंबर के बाद आपको यहाँ पर देख ली, यहाँ जो ईमेल आईडी डाले वो रहेगा। ईमेल आईडी के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो यदि मेल है या फीमेल है, और यहाँ कैटेगरी जेंडर ओबीसी ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी जो भी है तो वो अपना यहाँ पर डालना। तो दोस्तों ऐसे आप अपना हर एक ज़िला का आप यहाँ पर सर्च में डाल दीजिएगा तो ज़िला का आ जाएगा, और आराम से आप अपना साइट पे जा करके चेक कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको, तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और जो लोग परेशान हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं, आप आराम से इसको अपने मोबाइल पर भी खोल सकते हैं, ठीक है, कोई साइबर अवे कैप पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और ड्राफ्ट लिस्ट अपना चेक कर ले कि आपका कितना पॉइंट बन रहा है और कितना परसेंट पर बन रहा है। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो पर बने रहें, और आगे वीडियो में अभी अपडेट लेकर आऊँगा जैसे जैसे बामेटी का नोटिफिकेशन आएगा उस तरह उसके अकॉर्डिंग। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।